गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर जीके क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 23। द नेम ऑफ द चैप्टर 23 इज वर्ल्ड करेंसीज। यहाँ पर वर्ल्ड की करेंसी के बारे में बताया हुआ है, उनकी पिक्चर्स दी हुई है, साथ में उनके नेम दिए हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, मतलब जो पैसों की लेन देन होती है उसकी, हर जगह की कंट्री की जो पैसे होते हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी करेंसीज अलग होती है। ओके, सो फर्स्ट है अमेरिकन डॉलर। What is American dollar? The most influential currency in the world is the American dollar. ठीक है, दुनिया मतलब वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे प्रभावित करने वाली जो करेंसी है वो है अमेरिकन डॉलर है। As a matter of fact, every single currency is compared with the American dollar. ठीक है, वास्तव में क्या है कि जितनी भी सिंगल करेंसी है उसका कंपेयर अमेरिकन डॉलर के साथ किया जाता है। ये अमेरिकन डॉलर के यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, दिखते तो ये नोट जैसे ही है लेकिन यहाँ पर ये वन डॉलर होता है और वन डॉलर में समथिंग 78-75 जो भी फिक्स अमाउंट रहता है इतने रुपीज़ देने होते हैं। मतलब उनका जो वन डॉलर होता है वो हमारे जो रुपये होते हैं, हमारी जो करेंसी है रुपी, उसके 78 रुपये या 80 रुपये या 75 रुपये, मतलब उसका कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है उसके अनुसार होती है। मतलब अमेरिका का वन डॉलर और हमारे देश की जो करेंसी है उसका 80 रुपीज़, 70 रुपीज़, 75 रुपीज़ के समथिंग होता है। नाउ नेक्स्ट है यूरो। द यूरो इज़ द मनी यूज्ड इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। ठीक है, जो यूरो है ये करेंसी कहाँ यूज़ होती है? यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में यूज़ होती है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट यूज करेंसी इन द एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की सेकेंड करेंसी है जो कि एक्सचेंज मार्केट में यूज़ होती है। मतलब जो व्यापार होते हैं, जो लेन देन का काम होता है, लेन देन का व्यवसाय होता है, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट कौन सी? अमेरिकन डॉलर एंड सेकेंड है यूरो। नाउ नेक्स्ट येन। येन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज करेंसी इन द एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ये भी जो है वो एक्सचेंज मार्केट में, मतलब व्यापार की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसका नाम क्या है? येन करेंसी। ओके, ये देखो किस तरह से दिखती है। ये भी 1000 रुपीज़ के नोट, नोट ही होते हैं ये भी, लेकिन इनके जो नेम है वो अलग अलग हैं। नाउ नेक्स्ट है ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड इज़ फोर्थ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल करेंसी इन द वर्ल्ड। ये भी वर्ल्ड की, दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी करेंसी है जो व्यापार में यूज़ होती है और बहुत ही प्रभाव पड़ता है इससे भी। तो ये कौन सी है? ब्रिटिश पाउंड करेंसी। नाउ नेक्स्ट है स्विस फ्रांस। स्विस फ्रैंक इज़ द ओनली वर्जन ऑफ फ्रैंक स्टिल यूज इन यूरोप। ठीक है, ये यूरोप में यूज़ होती है और इसका नाम क्या है? फ्रैंक। तो ये एक वर्जन है, किसका वर्जन है? स्विस फ्रैंक का वर्जन है, फ्रैंक का वर्जन है स्विस फ्रैंक, और ये कहाँ यूज़ होती है? यूरोप में यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अमेरिकन डॉलर है, उसके बाद में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होते हैं। इज़ कॉमनली रिफर्ड टू बाय फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर इज द ऑशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर है वो कॉमनली कहाँ पर रिफर है? ये फॉरेन में एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होते हैं और इस कंट्री, इसका नाम है ऑशी। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ वर्ल्ड की करेंसीज दी हुई है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट है कनेडियन। कनेडियन वन डॉलर एंड टू डॉलर आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉइन्स। ठीक है, ये वन डॉलर टू डॉलर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कॉइन्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसका नाम क्या है? कैनेडियन करेंसी। इस पर लिखा भी होता है कनाडा और ये डॉलर है तो यहाँ पर क्या लिखा है? डॉलर्स लिखा है। नाउ नेक्स्ट है स्वीडिश क्रोने। स्वीडिश क्रोने इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन सिंस 1873। ठीक है, ये स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोने, जो कि 1873 से चली आ रही है। नाउ नेक्स्ट है हांगकॉन्ग डॉलर। हांगकॉन्ग डॉलर इज़ इशूड बाई 3 डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, 3 अलग अलग जो व्यापारिक व्यावसायिक बैंक होती है उनके द्वारा ही सिर्फ ये इशू की जाती है। ये हांगकॉन्ग की करेंसी है, इसको हांगकॉन्ग डॉलर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हांगकॉन्ग डॉलर्स लिखा होता है यहाँ पर नोट पर, हमारे नोट पर भी लिखा होता है इंडियन रुपीज़। ठीक है, भारत की जो करेंसी है। नाउ नेक्स्ट है नॉर्वे क्रोने। नॉर्वे क्रोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1875 एंड इट टेक्स द 10th पोजिशन। ठीक है, ये 1875 से स्टार्ट हुई है और इसका जो पोजिशन है मार्केट में वो क्या है? 10th नंबर पर है।
तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, कुछ करेंसीज के बारे में हमने पढ़ा, जिनके नेम भी पढ़े। आप इनको आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि इनके जो नोट्स होते हैं उन पर इनके नेम लिखे होते हैं, और अगर वो डॉलर है तो उस पर डॉलर लिखा होता है, और उनके स्टेट का मतलब उनके देश का कंट्री का नेम भी लिखा होता है। सो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है। आपको अच्छे से ये रीड करना है और ये करेंसीज के जो नेम है वो लर्न करना है, और ये भी लर्न करना है कि वो करेंसी कहाँ की है। अब नीचे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, नेम द करेंसी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। यहाँ पर आपको कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, आपको उनकी करेंसीज़ के नेम लिखना है। ओके, तो आप यहाँ पर आंसर की से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। यहाँ पर लिखा है थाईलैंड, थाईलैंड की क्या करेंसी है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, यूएई, चाइना एंड नामीबिया। तो यहाँ पर आपको इनकी क्या लिखनी है, करेंसीज़ लिखनी है, और साथ में उसको लर्न भी करना है। थैंक यू।